हेलो, माय नेम इज़ नितिन गुप्ता एंड वेलकम टू नितिन गुप्ता क्लासेस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज हम पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे नाम से समझ में आता होगा आपको कि यहाँ हमें फैक्टर्स निकालने हैं, और वो भी फैक्टर्स जो हम निकालेंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ एक कंपल्सरी एक टॉपिक है, वो ये है कि आपको जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करेंगे, और हमेशा छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। कभी भी बड़े प्राइम नंबर से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के लिए दो मेथड बता रहे हैं हम। पहला है डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। डिवीजन मेथड को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया है 1260 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हमेशा छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जैसा हमने आपको भी बताया। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 12060 को तो आएगा 630। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 315। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 105। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। देन अब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा तो इसको हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और लास्ट में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इस तरीके से हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड की हेल्प से। लास्ट में अपना आंसर कंप्लीट करने के लिए 1260 इज इक्वल्स टू 2 बार 2 था, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड की हेल्प से। अगर आपको दूसरा मेथड है वो ये है फैक्टर ट्री मेथड। सिंपल है, आपको यहाँ एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करना है अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए। 396 आपको दिया गया है, 396 आपको सबसे पहले से स्टार्ट करना है छोटे प्राइम नंबर से। तो छोटा प्राइम नंबर इसके अंदर से पहला हम अगर निकालना चाहें तो वो होता है 2, और 2 को डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो होगा 198। अगेन दोबारा से 198 को 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 की टेबल से जब ये जाएगा तो बचेगा 99। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 2 की टेबल से नहीं जाएगा, तो इसके लिए अब हमें से इस एक बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा वो होगा 33। अगेन ये दोबारा 3 के टेबल से जा रहा है, हम इसे दोबारा 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल से जाने के बाद हमें मिलेगा 11। और हम इसको इस मेथड को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमें इस तरफ राइट हैंड साइड पर भी एक प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो जैसे ही हमें वो प्राइम नंबर मिलेगा हमारा आंसर यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसको बस लास्ट में वापस से इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 396 इज इक्वल्स टू 2 into ये जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 11। शॉर्ट में करके लिखना चाहें तो 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 11। और इसी तरीके से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इजीली फैक्टर ट्री मेथड या डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। डिवीजन मेथड ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसी के यूज़ करेंगे आप एचसीएफ निकालते वक्त भी और एलसीएम निकालते वक्त भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल नितिन गुप्ता क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट नितिन गुप्ता क्लासेस। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट nitingupta.classes17@gmail.com। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।